यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इमीडिएट स्टेशन। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, वो टाइम कंसिडर नहीं किया गया है जिस टाइम पे वो मैसूर एंड बैंगलोर स्टेशन पे स्टॉप कर रही थी ट्रेन। और उसके बाद क्या दिया गया है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। मुझे क्या करना है, वो दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड, पहले आप पॉइंट्स को समझो इसमें क्या दिया गया है। यहां पर देखो क्या दिया है फ्रेंड, एक पॉइंट तो ये दिया है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर, राइट। मतलब पहले मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे टाइम फाइंड करना है किसका, एक्सप्रेस ट्रेन का एंड पैसेंजर ट्रेन का। फिर इन दोनों के टाइम के बीच में क्या दिया है, 1 आवर लेस दिया हुआ है फ्रेंड। मतलब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, टाइम फाइंड करना पड़ेगा। और क्या दिया है यहाँ पे दिया है फ्रेंड, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अगर मतलब मुझे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पता चल जाए तो मैं बोल सकता हूं जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 11 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाएगी जितनी किसकी रहेगी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड रहेगी फ्रेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले पैसेंजर ट्रेन की स्पीड अज्यूम करेंगे फ्रेंड, फिर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड के बेसिस पे हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड फाइंड करेंगे। देन स्पीड है फ्रेंड हमारे पास और क्या है, डिस्टेंस है। स्पीड एंड डिस्टेंस का यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे। और वही टाइम से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे फ्रेंड, बिकॉज यहाँ पे दिया है 1 आवर लेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अज्यूम करूंगा लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। कितना अज्यूम किया फ्रेंड मैंने, यहां पे मैंने पैसेंजर ट्रेन की स्पीड अज्यूम कर ली कितनी, x किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे क्या दिया है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड दी है फ्रेंड 11 आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो फ्रेंड मतलब मैं बोल सकता हूं एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी फ्रेंड, x प्लस 11, बिकॉज यहां पे 11 किलोमीटर पर आवर मोर दिया हुआ है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, राइट। यहां पे हमने क्या फाइंड किया फ्रेंड, यहां पर हमने दोनों की स्पीड फाइंड कर ली, डिस्टेंस दोनों का सेम है फ्रेंड क्योंकि बिटवीन 132 किलोमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है ध्यान से समझो फ्रेंड मैं क्या बता रहा हूं। यहाँ पे देखो एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन, मतलब अगर मैं पैसेंजर ट्रेन का क्या फाइंड करूंगा, टाइम फाइंड करूंगा। तो वो टाइम से अगर मैं एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस कर दूंगा फ्रेंड तो कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। यहाँ पे वो कंडीशन दिया हुआ है। और टाइम हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड, टाइम का फॉर्मूला क्या बनता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो टाइम फाइंड करना है किसमें से माइनस करेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन का कम टाइम लग रहा है इसलिए पहले किसका टाइम फाइंड करना है, इसलिए पहले मुझे पैसेंजर ट्रेन का टाइम फाइंड करना है। तो अगर मैं पैसेंजर ट्रेन का टाइम फाइंड करूंगा फ्रेंड तो डिस्टेंस कितना है, 132 डिस्टेंस। स्पीड कितना है फ्रेंड पैसेंजर ट्रेन का, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना है, x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये किसका हो गया, ये हो गया पैसेंजर ट्रेन का टाइम। अब इस टाइम में से मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम निकाल देना है। दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, बिकॉज वो कंडीशन यहाँ पे दिया है। तो देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना रहेगा, 132, बिकॉज बिटवीन दिया हुआ है अपॉन। अभी देखो अब हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन की क्या फाइंड कर रहे हैं, टाइम फाइंड कर रहे हैं। तो इसकी स्पीड कितनी है, x प्लस 11। तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पे x प्लस 11 आ जाएगा। 132 अपॉन x, ये किसका टाइम हो गया, ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम, और ये किसका टाइम, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम हो गया। अभी इसको अगर मैं इसमें सबट्रैक्ट करूंगा फ्रेंड तो कितना लगेगा, 1 आवर लेस लगेगा, बिकॉज वो कंडीशन यहाँ पे दिया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन
टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। आर यू गेटिंग दिस फ्रेंड? मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाला पार्ट अगर अभी तक आपको समझ गया होगा फ्रेंड तो आपको आंसर मिल जाएगा, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं मैंने क्या किया, यहाँ पे दिया है एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस, राइट, किससे लेस करेगा फ्रेंड, पैसेंजर ट्रेन से। तो मैंने क्या किया, पैसेंजर ट्रेन का टाइम फाइंड किया, देन मैंने एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम फाइंड किया और उसको सबट्रैक्ट किया, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका टाइम कम लग रहा है फ्रेंड, इसलिए मैं इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूं इसमें से। इसका टाइम क्यों कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा फ्रेंड तो मैं पहले क्या करूंगा, 132 को कॉमन लूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे 132 कॉमन लेता हूँ फ्रेंड तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन x माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1। बस अभी इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड। इफ वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा फ्रेंड ये हो जाएगा x प्लस 11 माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस 11 होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या होगा फ्रेंड 11x इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 1। बस अभी इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा फ्रेंड, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 132 इंटू क्या मिल रहा है फ्रेंड, यहाँ पे इंटू 11 मिल रहा है, अपॉन क्या है, अपॉन में है फ्रेंड x स्क्वायर प्लस 11x is equal to what? Equal to 1 है friend. Are you getting this friend? ये वाला part आपको समझा मैंने क्या किया यहाँ पे? अब हम लोग क्या करेंगे? Cross multiplication कर देंगे। तो अगर मैं cross multiplication करूँगा friend, ये हो जाएगा, देखो, पहले मैं क्या करता हूँ? 132 into 11 कर देता हूँ friend. अगर मैं friend 132 into 11 करूँगा, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिल जाएगा 1452. यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है फ्रेंड, हमको क्या मिला 1452 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड हमको x स्क्वायर प्लस 11x, बिकॉज यहाँ पे 1 है। अगर मैं इनटू 1 करूंगा तो हमको यही मिल जाएगा फ्रेंड। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा फ्रेंड 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। सो देयरफॉर फ्रेंड मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, मुझे यहाँ पे मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे जो इक्वेशन मिला है फ्रेंड, इसको मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, माइनस साइन दिया है, दैट मीन्स मुझे पहले क्या करना है, चलिए पहले मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, देन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रेंड हमको इक्वेशन क्या मिला है, हमको इक्वेशन मिला है x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन में हमको क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड यहां पे अप्लाई करूंगा फ्रेंड, पहला रूल क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अगर मैं पहले और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करता हूं फ्रेंड तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 1452 x स्क्वायर। अब 1452 x स्क्वायर का हमको दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं फ्रेंड जिसको सबट्रैक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए, 11x आना चाहिए, राइट। सबट्रैक्ट क्यों करना है फ्रेंड, बिकॉज यहां पे माइनस साइन है, अगर प्लस साइन रहती तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अभी 1452 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करते हैं जिसको सबट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो यहां पे देखो क्या दिया है, 1452 दिया है फ्रेंड। तो फ्रेंड फैक्टर्स फाइंड करने के लिए अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हाँ यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, मतलब यहाँ पे हमको मिला 2 into 726। तो देखो फ्रेंड ये जो 726 है ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, अगर मैं अगेन इसको 2 से डिवाइड करूंगा फ्रेंड तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 into 2 4 हो जाएगा, और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो जाएगा फ्रेंड। अभी हमको यहाँ पे क्या मिला है, हमको यहाँ पे मिला है 4 इंटू 363, सबट्रैक्ट करने के बाद 11 तो नहीं आएगा फ्रेंड। तो क्या करता हूँ, देखो अभी ये 11 से डिविजिबल होगा, 3 से भी हो रहा है फ्रेंड, बट अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो प्रॉपर फैक्टर नहीं मिलेंगे फ्रेंड। तो अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा देखो क्या होगा, 11 4 जा 44 हो जाएगा फ्रेंड, और अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, तो हमको अभी फैक्टर क्या मिले हैं, 44 एंड 33। अगर मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा फ्रेंड तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ और एक एक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो फ्रेंड बड़े वाले टर्म की साइन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, एंड सिंस हमको सबट्रैक्ट करना है फ्रेंड इसलिए दूसरी वाली साइन क्या होगी, डिफरेंट साइन होगी, मतलब अगर पहली वाली साइन प्लस है तो ये वाली साइन क्या होगी, माइनस होगी। चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं दोस्तों, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x
माइनस 1452 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमको पहले दो टर्म और लास्ट टू टर्म को कंपेयर करना है। तो अगर मैं पहले दो टर्म को कंपेयर करूंगा दोस्तों, देखो यहाँ पे हमको क्या कॉमन मिलेगा, हमको यहाँ पे x कॉमन मिलेगा। तो अगर मैं x कॉमन लूंगा इन ब्रैकेट मुझे मिलेगा x प्लस 44, और यहाँ पे भी दोस्तों अगर मैं माइनस 33 को कॉमन लूंगा तो अगेन हमको मिल जाएगा क्या, x प्लस 44 दैट इज इक्वल टू जीरो। प्लस क्यों आया फ्रेंड, बिकॉज माइनस साइन मैंने यहाँ पे कॉमन ली है। अब देखो फ्रेंड यहाँ पे भी x प्लस 44 है और यहाँ पे भी x प्लस 44 है, तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस 44 को अभी यहाँ पे भी कॉमन लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस 44 कॉमन लूंगा फ्रेंड, इन ब्रैकेट मुझे मिलेगा क्या, मिलेगा x माइनस 33 दैट इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर फ्रेंड ये हो जाएगा x प्लस 44 इज इक्वल टू जीरो, और फ्रेंड ये हो जाएगा x माइनस 33 इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 44, और ये हो जाएगा फ्रेंड x इज इक्वल टू 33। बट फ्रेंड एज वी नो दैट स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 44 जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है फ्रेंड, x इज इक्वल टू 33। क्या फाइंड करना था हमको, हमको फाइंड करना था एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेन की हमको एवरेज स्पीड को फाइंड करनी थी। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने क्या अज्यूम की थी फ्रेंड, x अज्यूम की थी, x की वैल्यू क्या है 33, 33 क्या किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या होगी फ्रेंड, 33 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है फ्रेंड उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 33 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड क्या होगी फ्रेंड 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसका आंसर आएगा फ्रेंड 44 किलोमीटर पर आवर, और इसका आंसर आया है 33 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूं फ्रेंड आपको क्वेश्चन नंबर 10 पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है फ्रेंड तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर फ्रेंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप हमसे वहां पर भी जोड़ के डाउट पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड ऐसे ही मैंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी।